माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम इस वीडियो में कार्विन करने जा रहे हैं परमानेंटित मैक्सिलरी राइट केनाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं लिंगुअल, मीजियल, लेबियल एंड डिजिटल। अब इसके बाद हम क्राउन मार्किंग कर लेते हैं जो 10.0 mm का होता है। इसे हम चारों साइड पहले मार्क कर लेते हैं। मार्किंग कर लेने के बाद हम इसमें मीजियल एंड डिजिटल साइड का फेक्स रिमूव करेंगे। मीजियो डिजिटल डायमीटर ऑफ क्राउन 7.5 mm है एंड एट सर्विक्स के पास 5.5 mm। तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। आप अपने स्केल से मेजरमेंट लेकर करिएगा। मैंने इसे मार्किंग कर लिया। अब इसे हम वैक्स को रिमूव करेंगे मीजियल डिजिटल साइड। तो सबसे पहले हम मीजियल साइड का वैक्स क्राउन का रिमूव कर लेते हैं जहां तक मैंने मार्किंग किया है। मीजियो डिजिटली क्राउन है जो नैरो होता है, तो उसी तरह हमें फेक्स को मूव करना है। सेम डिजिटल साइड का भी क्राउन रिमूव करेंगे। मैंने क्राउन का डिजिटल साइड का भी फेक्स रिमूव कर लिया। अब इसके बाद हम लेबियल साइड का फेक्स रिमूव करेंगे, लेबियल एंड लिंगुअल साइड का। तो उससे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि फेक्स कितना रिमूव करना है। अब मैं लेबियल साइड का फेक्स रिमूव करूंगा। लेबियल साइड का जो आउटलाइन है क्राउन का वो कॉन्वेक्स होता है। लेबियल साइड का फेक्स मैंने रिमूव कर लिया। अब इसके बाद हम लिंगुअल साइड का फेक्स रिमूव करेंगे। लिंगुअल फोसा बनाएंगे जो जस्ट सिंगुलम के ऊपर फेक्स को रिमूव करना है, और इसे हम कॉनकेव शेप में फेक्स को रिमूव करेंगे। जब आप लेबियल एंड लिंगुअल साइड का फेक्स रिमूव कर रहे हैं
तो ध्यान रखना है कस्प रिज है जो सेंटर में होना चाहिए। मैंने मिजियल, डिजिटल, लेबियल एंड लिंगुअल चारों साइड का वैक्स रिमूव कर लिया। अब इतना बन जाने के बाद हम डायमेंशन लेकर वैक्स को रिमूव करेंगे। मैंने डायमेंशन लेकर के वैक्स को रिमूव कर लिया। अब हम इसमें मिजियल एंड डिजिटल कस्प रिज बनाएंगे। इसमें ध्यान देना है मिजियल कस्प रिज के कंपेयर में डिजिटल कस्प रिज बड़ा होता है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और आपको अगर समझ में आता है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें कि ताकि ये इस वीडियो को देख करके वो भी सीख सके इजी स्टेप में। अब इसमें हम लिंगुअल फोसा बनाएंगे, मिजियल लिंगुअल फोसा एंड डिजिटल लिंगुअल फोसा। ये हो गया कंप्लीट क्राउन। अब इसके बाद हम रूट बनाएंगे। रूट का डायमेंशन ले लेते पहले 17.0 mm का होता है, तो इसे हम पहले चारों साइड मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लेने के बाद हम इसमें भी पहले वैक्स को मिजियल एंड डिजिटल साइड का वैक्स रिमूव करेंगे। उससे पहले हम लेबियल एंड लिंगुअल साइड मार्किंग कर लेते हैं कि वैक्स को कितना रिमूव करना है। तो क्राउन से लेकर के नीचे रूट के पास रूट होता है इसका, जो नैरो शेप का होता है, तो आप उसी के अनुसार से आप वैक्स पे मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए मैंने मार्किंग कर लिया, और रूट है जो सेंटर में होना चाहिए वैक्स के, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। सेम लिंगुअल साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लेने के बाद हम वैक्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम डिजिटल साइड का वैक्स रिमूव करते हैं। ये देखिए मैंने डिजिटल साइड का वैक्स रिमूव कर दिया रूट का। सेम इसी तरह मिजियल साइड का भी रूट का जो एक्स्ट्रा भाग है उसे हम रिमूव करेंगे। मैंने मिजियल साइड का भी वैक्स रिमूव कर लिया। अब लेबियल एंड लिंगुअल साइड से देखिए प्रॉपर रूट दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम
लेबियल एंड लिंगुअल साइड का वैक्स रिमूव करेंगे। उससे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं वैक्स पे। और जब मार्किंग कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि रूट है जो सेंटर में होना चाहिए। मार्किंग मैंने कर लिया। अब इसके बाद हम वैक्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लेबियल साइड का वैक्स रिमूव करते हैं। लिबियल साइड का वैक्स मैंने रिमूव कर लिया। सेम इसी तरह लिंगुअल साइड का भी वैक्स रिमूव करेंगे रूट का। मैंने लिंगुअल साइड का भी वैक्स रिमूव कर लिया। जब आप रूट का पूरा पोर्शन वैक्स रिमूव कर दें उसके बाद आप अपने स्केल से डायमेंशन चेक कर लें। जिधर आपको लगे कि वैक्स रिमूव करना है या एक्स्ट्रा है तो आप रिमूव कर लें। मैक्सिलरी राइट कैनाइन का रूट है जो डिजिटल साइड की ओर हल्का मुड़ा हुआ रहता है, तो इसे भी हम बना लेते हैं। देखिए हल्का सा डिजिटल साइड की ओर मुड़ा हुआ दिख रहा है। अब सर्विकल लाइन हम बना लेते हैं। लिंगुअल साइड है जो मोर कर्व होता है। लिबियल साइड सर्विकल लाइन है जो कॉन्वेक्स शेप में होता है। डिजिटल साइड के कंपेयर में मेजियल साइड का सर्विकल लाइन 1 mm ज्यादा होता है। रूट में अब हम डेवलपमेंटल ग्रुप बना लेते हैं। मेजियल साइड के कंपेयर में डिजिटल साइड का जो रूट का डेवलपमेंटल ग्रुप है वो ज्यादा डीप होता है। और डिजिटल साइड के कंपेयर में मेजियल साइड का जो रूट का डेवलपमेंटल ग्रुप है वो हल्का सा कम डीप होता है। ये देखिए ये मैक्सिलरी राइट कैनाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसे पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश भी मैंने कर लिया। सिंगुलम रूट डिजिटल फोसा मिजियल फोसा टू कस्प मिजियल एंड डिजिटल रूट डेवलपमेंटल ग्रुप डिजिटल साइड रूट डेवलपमेंटल ग्रुप मिजियल साइड डिजिटल मार्जिनलिज मिजियल मार्जिनलिज। अब क्राउन में हम डिजिटल कॉन्टेक्ट एरिया बना लेते हैं जो जस्ट सर्विकल लाइन के नीचे होता है एंड मिजियल साइड भी बना लेते हैं। ये हो गया परमानेंट टीथ मैक्सिलरी राइट कैनाइन कंप्लीट। सेम इसी तरह ट्राई कीजिए, आपसे भी बन जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।